अमीर कौन होना नहीं चाहता, हम हमारी किस्मत को कोसते हैं या फिर अपने आप को, पर असल में अमीर आप भी बन सकते हैं सिर्फ ये 12 तरीकों से। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हैं। पर उसके पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारी चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। द 24 आवर रूल। करोड़पति कोई भी सामान खरीदने से पहले एक वक्त भी नहीं सोचता है ना, ऐसा हमें लगता है, पर असल में वो पूरे 24 घंटे लेते हैं सोचने के लिए कि वो चीज लेनी भी चाहिए या नहीं। आपको भी अपने आप को 24 घंटे देने चाहिए कोई भी सामान खरीदने से पहले, ये सोचे कि क्या ये चीज आपको सच में चाहिए, इसकी जरूरत है भी या नहीं। एन ऑल कैश डाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि अमीर लोग स्ट्रेटेजिकली पैसे खर्च करते हैं, ज्यादातर अगर क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसका पता ही नहीं चलता है, इसीलिए कैश लेकर घूमे। अगर पैसे खर्च करते वक्त कैश देंगे तो आपको भी याद रहेगा और समझ में आएगा कि कितने पैसे खर्च हुए और किधर किधर खर्च हुए हैं। सेट अ बजट एंड स्टिक टू इट। एक बार लिस्ट बना लीजिए कि कितने पैसे आप कमाते हो, उसमें से कितना सेविंग्स में डालेंगे और कितना यूज करेंगे, इससे आपको सेविंग्स करने का आइडिया भी हो जाएगा। स्पेंड ऑन थिंग्स दैट कैन हेल्प यू अर्न। आपको बहुत ज्यादा सेविंग्स करने की भी जरूरत नहीं, पर कुछ ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा, और ऐसी चीज भी खरीदे जो कि जल्दी टूटेगी नहीं। इन्वेस्ट इन सर्विसेज दैट सेव यू टाइम। अमीर लोग ज्यादातर सेवाएं लेने में शर्माते नहीं, जैसे कि घर पर काम वाली रखने से आपको कामकाज में हेल्प मिल रही है तो जरूर उसे यूज करना चाहिए। एक्सपीरियंसेस आर इनवैल्यूएबल। करोड़पतियों को ज्यादातर पार्टी करना पसंद नहीं, पर वो लाइफ एक्सपीरियंस लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में मजे लेने की कोशिश कीजिए, कोई ट्रिप या हाइक पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना भी आप जा सकते हैं। बिल्स फर्स्ट रेस्ट लेटर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही पैसे आए तो खर्च कर दे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कोई उधार या कोई बिल है तो उसे चुका दे, और उसके बाद जो भी बचे हुए पैसे हैं उसको आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो कि किधर यूज करना है और किधर नहीं। मेक अ शॉपिंग लिस्ट फॉर एनुअल सेल्स। डिस्काउंट्स किसको पसंद नहीं आते, सभी लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं ये समझकर कि सामान अभी सेल पर है, पर क्या पता बाद में हो या ना हो, इसलिए अभी ही लेकर रखते हैं। ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हो सके तो साल भर में एक ही बार डिस्काउंट सेल्स में से शॉप करें, और नहीं तो आप एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर भी जा सकते हैं। स्टार्ट नो स्पेंडिंग डेज और वीकेंड्स। हफ्ते में एक दो बार पैसे खर्च ही मत करें, उस दिन कुछ भी हो जाए कम से कम पैसे खर्च होने दे। सेव योर चेंज एंड यूज इट। एक दो रुपए के छुट्टे भी बचाए, अगर ट्रैवल करते समय आपको छुट्टे भी मिलते हैं तो एक पिगी बैंक जैसा बना के रखें, क्या पता आपको बाद में भी काम आ सकते हैं। रिपेयर थिंग्स बिफोर डिस्कार्डिंग देम। जैसे कि अमीर लोगों को इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है और वो ऐसी चीज या सामान खरीदते हैं जो उन्हें बहुत समय के लिए काम आएगी, तो अगर वो टूट भी गई तो उसे ठीक करके उसको वापस यूज करेंगे, इसीलिए ज्यादातर नए सामान खरीदने से पहले पुराने को ठीक कर दे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिससे आप भी अमीर हो सकते हैं। एंड यस, अमीर होने के लिए आपको पैसे बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इससे जुड़ी आपके पास भी और कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।